दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट। देश की खतरनाक बटालियन का ये है भयंकर इतिहास। गोरखा रेजिमेंट का इतिहास। 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें तत्कालीन 10 गोरखा रेजिमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जिसमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ने भारतीय सेना को चुना और बाकी ने ब्रिटिश। भारतीय सेना में बहादुरी और मौत को भी अपने साहस और निडरता से डरा देने की बात हो तो सबसे पहले नाम आता है गोरखा रेजिमेंट का। अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों का मनोबल और उनके परखच्चे उड़ा देने वाला गोरखा रेजिमेंट की शौर्य गाथा आज पूरी दुनिया में गाई जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि भर्ती तो इनकी भारतीय सेना में होती है, लेकिन इस रेजिमेंट में 2/3 सैनिक नेपाल के होते हैं और 1/3 सैनिक भारतीय होते हैं, जिनकी भर्ती हर साल गोरखा और गोरखपुर रेजिमेंट डिपो द्वारा की जाती है। और नेपाल में इनकी भर्ती के लिए रैली का आयोजन होता है, जिसमें सैनिकों को रिटर्न और फिजिकली टेस्ट दिया जाता है। नेपाल ने क्यों रोकी अग्निपथ योजना? भारत सरकार द्वारा इस योजना के अनाउंसमेंट के बाद नेपाल में 25 अगस्त से भर्ती शुरू होने वाली थी। अलग अलग शहरों में रैलियां निकलनी थी, जिस पर नेपाल सरकार ने रोक लगा दी थी। एक रिपोर्ट की माने तो नेपाल के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर नारायण खड़का ने भारतीय एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव को बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती 1947 में भारत, नेपाल और यूके के बीच हुए समझौते के अनुरूप नहीं है और इसके लिए हम देश की बाकी पार्टियों से सलाह मशवरा लेकर ही कोई अंतिम निर्णय दे सकते हैं। उनकी चिंता का विषय था कि 4 साल बाद रिटायर होने के बाद गोरखाओं का क्या होगा और इससे समाज पर भी गलत असर पड़ेगा। भारतीय और नेपाली गोरखाओं की भर्ती प्रक्रिया। 1947 के समझौते के बाद फिलहाल भारत में 7 गोरखा रेजिमेंट है। ये 7 रेजिमेंट मिलकर कुल 43 बटालियन बनाते हैं और इनमें गोरखाओं की भर्ती होती है। गोरखाओं की भर्ती के लिए 2 गोरखा रिक्रूटमेंट डिपार्ट्स का गठन किया गया है, जिसमें से एक पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में है और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कौन होता है गोरखा? गोरखा नेपाल की पहाड़ी जाति लड़ाका से संबंध रखते हैं। ये अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनकी भौतिक और मानसिक मजबूती ही इनको सेना की ओर खींच लाती है। यही वजह थी कि 1857 की क्रांति से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें अपनी सेना में गोरखा की भर्ती पर जोड़ दिया। गोरखा अपने 16 से 18 इंच लंबे चाकूनुमा धारीदार हथियार की वजह से जाने जाते हैं, जिसे नेपाल की आम भाषा में खुकरी के नाम से कहा जाता है। और क्यों इसे 1947 में करार दिया गया? 1947 में जब भारत के आजाद होने के बाद अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस जा रहे थे, उस वक्त उनके पास एक बेशकीमती चीज थी और वो थी सेना की सबसे बहादुर 10 गोरखा रेजिमेंट। ऐसे में ये सवाल था कि ये रेजिमेंट भी इन्हीं के साथ जाएगी या नहीं। इसके फैसले के लिए अंग्रेज और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गोरखा सोल्जर पैक्ट 1947 का नाम दिया गया, जिसमें ये तय हुआ कि गोरखा कहाँ रहेंगे ये उन्हीं पर छोड़ दिया जाए, जिसमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ने भारत को चुना और बाकी अंग्रेज के साथ चले गए।